नमस्कार, मेरा नाम सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 40 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल हमने पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट क्या होती है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होती है। कल हमने कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था कि जे स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम ब्रैकेट और यहाँ क्या था डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का एफ विच इज ए फंक्शन ऑफ वन अपॉन यू। और यहाँ पर हमने कुछ ऐसे डिफाइन किया था कि जो आर है वो किसके बराबर है, वन अपॉन यू के बराबर है, और जो मेरे पास यहाँ पर एफ वन अपॉन यू है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ आर लिख सकता हूँ। अगर इसमें एफ आर लिख सकता हूँ तो दिस एफ आर इक्वल टू फॉर सेंट्रल फोर्स दिस विल बी इक्वल टू पार्शल वी अपॉन पार्शल आर, जहाँ पर वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस तरह से हमने क्या की थी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन की थी जिसे हमने क्या बोला था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट बोला था। और हमने कल ज़्यादा डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एफ आर फाइंड कर सकते हैं। अगर एफ आर फाइंड कर सकते हैं तो यहाँ से वी वी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो फाइंड फोर्स लॉ, इसका मतलब क्या है, वो क्या फाइंड करने को बोल रहा है, एफ आर फाइंड करने को बोल रहा है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। अब एक बार क्या कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, आप और मैं दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। पढ़ो एक बार, क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज ऑब्जर्व टू मूव इन ए स्पाइरल ऑर्बिट गिवन बाई द इक्वेशन आर इक्वल टू सी थीटा। यानी उसके पोजीशन वेक्टर और थीटा के बीच, या बोल सकते हैं रेडियल कंपोनेंट और एंगुलर कंपोनेंट, या बोलते हैं जो मेरे पास रेडियल कोऑर्डिनेट है और जो एंगुलर कोऑर्डिनेट है उसके बीच क्या रिलेशन है, आर इक्वल टू सी थीटा है, वेयर सी इज कांस्टेंट, फाइंड द फोर्स लॉ। फोर्स लॉ फाइंड करना है, इसका मतलब क्या करना है हमको, एफ आर फाइंड करना है। सिंपल, अगर एफ आर फाइंड करना है तो किसकी हेल्प लेंगे हम, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प लेंगे। क्लियर बात, ओके। नाउ सॉल्यूशन देखो, कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। सॉल्यूशन हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है आर इज इक्वल टू सी थीटा, एक ऐसा फंक्शन गिवन है। एंड सिंस वी नो दिस फंक्शन यू इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, वन अपॉन आर होता है, तो यहाँ से मेरे पास यू इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, वन अपॉन सी थीटा निकल के आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, आंसर हाँ जी आएगा। अगर मुझे ये डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो निकाल दो यहाँ से, यू इक्वल टू वन अपॉन सी थीटा है, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, डी यू डिवाइडेड बाई डी थीटा निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू वन अपॉन सी इज कॉन्स्टेंट, और वन अपॉन थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस का वन अपॉन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आंसर हाँ जी हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास डी यू डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस का वन अपॉन सी इंटू कितना आ गया, वन अपॉन थीटा स्क्वायर। अब क्या निकाल देंगे, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकाल देंगे, यानी इसका एक बार और डेरिवेटिव, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का वन अपॉन सी और डी बाई डी थीटा ऑफ वन अपॉन थीटा स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का वन अपॉन सी, सॉरी ऐसे रहा। और अगर मैं इसका सॉल्व, इसको सॉल्व करूँगा तो थीटा की पावर माइनस टू हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये, तो डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा की पावर माइनस टू, इसे सॉल्व करो कितना आ गया ये, माइनस का वन अपॉन सी और ये माइनस टू इधर आया, तो कितना बच गया ये, थीटा की पावर माइनस थ्री बच गया आफ्टर डिफ्रेंशिएशन, तो ये कितना आ गया, ये टू डिवाइडेड बाई सी और थीटा की पावर कितना आ गया, ये थ्री आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। नाउ अब ये मेरे पास क्या निकला, यहाँ से डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा निकला, डी थीटा स्क्वायर निकला। अब इस थीटा को मैं यू के टर्म में लिख सकता हूँ, आंसर में लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, थीटा निकालूँ, तो थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सी यू होगा, नहीं होगा, थीटा इक्वल टू वन अपॉन सी यू, तो यहाँ से मेरे पास डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर
दिस विल बी इक्वल टू, कितना आ जाएगा ये, 2 डिवाइडेड बाई सी, और ये कितना आ गया, 1 अपॉन सी यू की होल पावर 3 आ गया. एंड ऑन सॉल्विंग इट आई गेट डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, ये सी की पावर 3 है, यहाँ एक सी है, तो कितना बच जाएगा मेरे पास, सी स्क्वायर बच जाएगा. तो 2 सी स्क्वायर अपॉन कितना आ गया ये, यू की, सॉरी ऊपर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 2 सी स्क्वायर यू की पावर 3. ये क्या निकल गया मेरे पास, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकल गया. नाउ यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट व्हाट वी हैव जे स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर अपॉन कितना आया, एम आया, सॉरी जे स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर अपॉन एम, और यहाँ क्या होता है, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस का कितना आया, यू आया. एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का एफ, 1 अपॉन यू, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो ये कितना आ गया, जे स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, सॉरी जे स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर अपॉन एम. एंड इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये है कितना, 2 सी स्क्वायर, और यू की पावर कितना आई है, 3 आया, और प्लस कितना आ गया यहाँ से, यू आ गया, ठीक है. एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का एफ, 1 अपॉन यू. एक काम करेंगे, इस यू को अंदर ले जाओ, तो ये मेरे पास कितना आ गया, जे स्क्वायर अपॉन एम, और दिस इज 2 सी स्क्वायर, यू की पावर कितना आ गया ये, 5 आ गया, और प्लस कितना आ गया, यू की पावर 2 और 1 3 आ गया. एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का एफ, विच इज़ द फंक्शन ऑफ 1 अपॉन यू. मुझे क्या निकालना है, एफ आर निकालना है, तो 1 अपॉन यू इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं, आर लिख सकता हूँ, 1 अपॉन यू इक्वल टू आर. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन यू इक्वल टू आर, तो जहाँ जहाँ यू है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 1 अपॉन आर पुट कर देंगे. तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया, जे स्क्वायर अपॉन एम इंटू दिस इज 2 सी स्क्वायर अपॉन आर की पावर कितना आ गया ये, 5 आ गया, प्लस 1 अपॉन आर की पावर 3, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज इक्वल टू एफ आर निकल के आया. ये माइनस साइन है, इस माइनस साइन को इधर भेज दो, और यही क्या हो गया हमारा, फोर्स लॉ हो गया, या बोल सकते हैं सेंट्रल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल के आया, जो कि इतना है, जो कि r की पावर माइनस फाइव और r की पावर माइनस 3 पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है. यहाँ बोल सकते हैं r की पावर 5 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते, इन ऐसे डिपेंड कर रहा है, यानी इस पावर पर डिपेंड कर रहा है, r की पावर 5 पर और r की पावर 3 पर, उनके इन्वर्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है. तो ये क्या हो गया हमारा, एफ आर हो गया, और इसी को मैं क्या बोलूँगा, फोर्स लॉ बोलूँगा, ठीक है. तो अब के बार से जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हो कि फोर्स लॉ फाइंड करो, तो आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, एफ आर फाइंड करना है. क्लियर है इतनी बात, ओके. अगर इतनी बात क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, उसके लिए मुझे ये चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, ठीक है. इधर का आप नोट करो, मैं ये मिटा रहा हूँ. सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, सीधे क्वेश्चन की लैंग्वेज में जाते हैं. सिंपल मेरे पास क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा दिया हुआ है, ओके. अब क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड फोर्स लॉ, क्या बोल रखा है, फाइंड फोर्स लॉ, फोर्स लॉ फाइंड करो, ऐसा आपको बोल रखा है. अब इस क्वेश्चन में आप सबको पता है क्या निकालना है, हमको एफ आर निकालना है, और हमको आर और थीटा के रिलेशन दे रखा है, तो किसका यूज करेंगे, हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करेंगे. किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट का यूज करेंगे. तो सबसे पहले हमको क्या पता होता है यूज करने के लिए, यू पता होता है, और यू इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, 1 अपॉन आर होता है. तो यहां से मेरे पास u इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2a cos थीटा निकल के आ जाएगा, और हम सब जानते हैं 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है. तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन 2a इंटू कितना आ जाएगा, sec थीटा निकल के आ गया. ये क्या निकला मेरे पास, u निकला. अब क्या निकाल दोगे, du by d थीटा, तो निकाल दो भाई, du by d थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a, तो कांस्टेंट है, sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec थीटा tan थीटा, तो क्या हो जाएगा ये, sec थीटा और इंटू कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा. तो अगेन आप क्या करोगे, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकाल दो, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2a, अगेन क्या है, कांस्टेंट है. पहले एक काम करो, sec थीटा को ऐसे रहन दो, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस का साइन,
फिर टेन थीटा ऐसे रहा, सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा का हो जाएगा मेरे पास सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा इंटू यहाँ पर क्या आया टेन थीटा, फिर टेन थीटा का ऐसे रहा एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? नाउ फिर यहाँ से मेरे पास डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू वन अपॉन टू ए एंड दिस इज सेक क्यूब थीटा। ये क्या हो गया, सेक क्यूब थीटा हो गया। और यहाँ पर मेरे पास प्लस का सेक थीटा और इंटू में कितना आ जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। तो यहाँ से मेरे पास डी स्क्वायर यू अपॉन में कितना आया, डी थीटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए आया। अंदर कितना बच गया देखो, दिस इज सेक क्यूब थीटा प्लस ये हो गया मेरे पास कितना सेक थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला कुछ ऐसा था मेरे पास कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये था। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, टेन स्क्वायर थीटा निकालूँ देन दिस विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ऐसा होगा नहीं होगा? आंसर है हाँ जी होगा। तो जहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा है वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकता हूँ। तो लिख दो फटाफट, तो कितना आ गया ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ठीक है, अब इस सेक को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए और अंदर कितना आ गया ये सेक की पावर थ्री थीटा और प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक क्यूब थीटा। मैं कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ क्या? ठीक है, सेक क्यूब थीटा आ जाएगा। फिर माइनस कितना आ गया यहाँ पर सेक थीटा आ जाएगा, दिस ब्रैकेट इज क्लोज। तो दिस इज अवर, एक मिनट है आगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कोई आ गया था बाहर से। ठीक, चलो कहाँ पर थे हम, हमारे पास डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ये कुछ आया था, इसे हाँ इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए और सेक क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा कितना आ गया ये टू सेक क्यूब थीटा और माइनस कितना आ गया यहाँ पर सेक थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब किसका यूज़ करेंगे हम, जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी है, दिस इज जे स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन में कितना आया एम आया मल्टीप्लाई बाई दिस इज डी स्क्वायर यू अपॉन कितना आ जाएगा डी थीटा स्क्वायर, फिर माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर यू आ जाएगा, तो रखो फिर माइनस का सॉरी प्लस का यू और दिस इज इक्वल टू माइनस का एफ वन अपॉन यू, ऐसा कुछ आया। अब ए की वैल्यू पुट कर दो, मतलब इसकी वैल्यू पुट कर दो, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और ये मिटाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ये मिटा दो, देखो तो अगर मैं ये वैल्यू यहां से उठाकर इधर पुट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना जे स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन में कितना आया एम आया और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ये दिस इज वन अपॉन टू ए, टू ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये टू आ जाएगा ऊपर दिस इज सेक क्यूब थीटा और माइनस का वन अपॉन टू ए सेक थीटा प्लस यू है और यू की वैल्यू मेरे पास कितनी है वन अपॉन टू ए सेक थीटा है तो कितना आ जाएगा वन अपॉन टू ए सेक थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आया माइनस का एफ फंक्शन ऑफ वन अपॉन यू। देखो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, अगर ये दो कैंसिल हो गए तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, ये बचा यहाँ से तो दिस इज डी स्क्वायर सॉरी कितना है ये जे स्क्वायर दिस इज यू स्क्वायर अपॉन में कितना आया एम आया मल्टीप्लाई टू से टू कैंसिल हो जाएगा वन अपॉन ए। अब सेक क्यूब थीटा को यू के टर्म में लिखो, तो अगर मैं यहाँ से सेक थीटा निकालूँ, अगर मैं यहाँ से सेक थीटा निकालूँ कहाँ पर से यहाँ पर से, तो यहाँ से मेरे पास सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा टू ए यू आ जाएगा। तो अगर सेक क्यूब थीटा निकालूंगा तो सेक क्यूब थीटा दोनों साइड क्यूब करने पर तो कितना आ जाएगा ये एट ए की पावर थ्री और यू की पावर थ्री। तो जहाँ पर सेक क्यूब थीटा है वहाँ पर वो वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, कर दो फटाफट। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया एट
ए की पावर 3 और यू की पावर 3, दिस ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू माइनस का एफ एफ वन अपॉन यू। तो दिस इज, इस सबको एक साथ लिख दो, ए से ये दो बार कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 8 ए स्क्वायर अपॉन एम इंटू जे स्क्वायर, और ये कितना बच गया यहाँ पर, यू की पावर 5 आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का एफ वन अपॉन यू। हमें क्या निकालना है, यहाँ आर के टर्म में लिखना है इसको, तो यू की जो कितना लिख सकता हूँ मैं, वन अपॉन आर लिख सकता हूँ, यू इक्वल टू वन अपॉन आर, तो लिख दो यहाँ से, तो दिस इज 8 ए स्क्वायर और दिस इज जे स्क्वायर अपॉन एम इंटू वन अपॉन आर की पावर 5, दिस इज इक्वल टू माइनस का एफ आर आ गया। तो यहाँ से मेरे पास एफ आर इज इक्वल टू माइनस का 8 ए स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन में कितना आया, एम आया, और इंटू वन अपॉन आर की पावर 5 आ गया, और यही क्या हो गया, हमारा फोर्स लॉ हो गया। ठीक है, क्लियर बात। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, तो यहाँ से मेरे पास जो एफ आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर की पावर 5 के। और ये डेटा आपको कंठस्थ भी क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए कि अगर मेरे पास आर और थीटा के बीच कुछ इस तरह का रिलेशन हो, यानी आर इक्वल टू 2a cos थीटा, ये यहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ cos थीटा है और यहाँ r की पावर 1 है, तब जो एफ आर है वो r की किस पावर पर डिपेंड कर रहा है, वो r की फिफ्थ पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एफ आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r की पावर 5, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। MCQ में सीधे सीधे पूछ सकता है, अगर आपको वहाँ पर ये पता नहीं है तो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो इसको क्या कर लो, आप याद कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो, क्लियर इतनी बात। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिख लें, क्वेश्चन थ्री कुछ ऐसा है, ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा मोर जनरल फॉर्म है। कैसा है देखो, हमें दिया है r की पावर n इज इक्वल टू, और यहाँ पर दे रखा है 2a सॉरी 2a cos n थीटा, ऐसा कुछ है, r की पावर n इक्वल टू 2a cos n थीटा। और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका एक स्पेशल केस है, किसके लिए है ये, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ तो मुझे n इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करेगा, पुट करूँगा और यही आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये लिखो और ये लिखो, एक ही बात हुई, यानी ये क्या है, इसका एक स्पेशल केस है, एक ही बात नहीं हुई, ये इसका क्या है, एक स्पेशल केस है, किसके लिए, n इक्वल टू 1 के लिए। तो कुछ ऐसा मेरे पास गिवन है, अगर ऐसा कुछ गिवन है, अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड फोर्स लॉ। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, फाइंड फोर्स लॉ निकालना है और ये बताना है कि यहाँ पर r की पावर क्या आएगी, यानी यहाँ पर जब यहाँ पर n इक्वल टू 1 है तो यहाँ 5 आया, अगर n इक्वल टू 2 होगा, n इक्वल टू 3 होगा या n इक्वल टू 1/2 होगा, तब यहाँ पर क्या आएगा 5 की जगह। ठीक है, ये हमें बताना है, तो करो फिर सेम यही प्रोसेस का हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे एक फंक्शन u इक्वल टू मेरे पास क्या है, 1 अपॉन r है, एंड हियर तो अगर यहाँ से मैं r निकालूंगा तो r की पावर n इक्वल टू कितना गिवन है मेरे को, 2a cos n थीटा गिवन है। अगर मैं यहाँ से r निकालूंगा तो r विल बी इक्वल टू 2a cos n थीटा की होल पावर 1 अपॉन n आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से u इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन 2a cos n थीटा की होल पावर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन n आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, u इक्वल टू 1 अपॉन 2a की होल पावर 1 अपॉन n, और इनटू में कितना आ गया, ये cos n थीटा की होल पावर 1 अपॉन n आ गया। ठीक, अगर मैं cos को ऊपर ले जाऊँगा, यानी 1 अपॉन cos n थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा होता है, तो u इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, sec n थीटा कितना आ जाएगा, sec n थीटा की होल पावर 1 अपॉन n, और डिवाइड में कितना आ गया, ये 2a की होल पावर 1 अपॉन n आ गया। ठीक है, तो ये क्या डिफाइन हो गया मेरा यहाँ से, u डिफाइन हो गया, हम क्या डिफाइन कर देंगे यहाँ से, डी यू डिवाइडेड बाई डी थीटा, फिर उसके बाद डी स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डी थीटा स्क्वायर। ठीक है,
चलो फिर करो। तो u इक्वल टू मेरे पास ये गिवन है, मतलब u इक्वल टू मेरे पास क्या है, sec n थीटा की होल पावर 1/n, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये 2a की होल पावर 1/n आ जाएगा। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, du डिवाइडेड बाई d थीटा फाइंड कर देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2a की होल पावर 1/n, तो ऐसे रहा। और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको डिफरेंट करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/n, और फिर क्या आएगा sec n थीटा, इसकी होल पावर कितना आ जाएगा 1/n-1 हो जाएगा, फिर किसका होगा sec n थीटा का होगा। और sec n थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec n थीटा tan n थीटा tan n थीटा, अगर मैं n थीटा करूंगा तो कितना आएगा, n आएगा, और इस n से ये n क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब ये मेरे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो du डिवाइडेड बाई d थीटा इज इक्वल टू 1/2a की होल पावर 1/n इंटू कितना आ गया ये sec n थीटा की होल पावर 1/n इंटू, इसको मैं क्या लिखता हूँ, sec n थीटा की होल पावर -1, और ये मेरे पास इंटू में कितना है sec n थीटा, फिर इंटू टेन कितना आ गया यहाँ पर एन थीटा आ गया, और इसकी पावर -1 है, इसकी पावर +1 है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएंगे दोनों, मतलब इनकी पावर 0 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये मेरे पास कितना बच गया यहाँ पर, du डिवाइडेड बाई d थीटा इज इक्वल टू 1/2a की होल पावर 1/n इंटू कितना आ गया ये sec n थीटा की होल पावर 1/n इंटू कितना आ गया tan n थीटा। एक बार गौर से देखो, ये मेरे पास अगेन u आ गया इतने में, ये पहला जो टर्म निकल के आया है ये u तो है, इतना टर्म अगर आप इसको जरा देख रहे हो ध्यान से, तो ये क्या है मेरे पास, ये u नहीं है आंसर, हाँ जी है, तो इसको मैं u लिख सकता हूँ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, du डिवाइडेड बाई d थीटा इक्वल टू u tan n थीटा, कितना आया tan n थीटा। अब क्या निकाल दो, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, यू को ऐसे रहने दो, अगर मैं टेन करूंगा तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर n थीटा, और इंटू कितना आ गया n आ गया, फिर प्लस u करेंगे तो du डिवाइडेड बाई d थीटा, और इंटू में कितना आ जाएगा यहाँ पर tan n थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज u, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया sec स्क्वायर n थीटा इंटू n, और फिर प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन सॉरी डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, ये पूरी है उठा के रख दो, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये है, यानी कितना आ जाएगा u tan थीटा आएगा, tan n थीटा आएगा, और tan n थीटा यहाँ भी है, तो कितना आ जाएगा ये tan स्क्वायर n थीटा हो जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर n थीटा हो गया, तो इसको इतना ही रहने दे, सॉल्व वगैरह आएगा, इसको इतना ही रहने दो, या फिर हम सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं अगेन यहाँ पर tan स्क्वायर n थीटा, अभी हमने डिस्कस किया था tan स्क्वायर n थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा वन सॉरी sec स्क्वायर n थीटा -1 हो जाएगा, उठा के वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू यू, यू एन भी है, ठीक है, यू एन sec स्क्वायर एन थीटा, और प्लस का यू टेन स्क्वायर एन थीटा का जो कितना आ जाएगा sec स्क्वायर एन थीटा -1 आ जाएगा। ठीक, अब इसकी वैल्यू उठाकर कहाँ रख देंगे, हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देंगे, तो रखो फटाफट, तो उसके लिए मुझे ये चीज़ मिटानी पड़ेगी, ये मिटाओ इधर वाला, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, जे स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम, और इंटू कितना आ जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, प्लस का यू, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का एफ 1/u आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ से उठाओ और इधर पुट करो, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया जे स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम, और इंटू इसकी वैल्यू कितनी है देखो,
यू एन इंटू कितना आ गया सेक स्क्वायर एन थीटा, फिर प्लस का यू सेक स्क्वायर एन थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फिर माइनस का यू और प्लस का यू आ गया, दिस ब्रैकेट क्लोज, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का एफ फंक्शन ऑफ वन अपॉन यू। देखो यू से यू क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास जे स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन में कितना आया एम आया इंटू दोनों ओर से यू सेक स्क्वायर एन थीटा, यू सेक स्क्वायर एन थीटा कॉमन आ जाएगा, यू सेक स्क्वायर एन थीटा कॉमन, अंदर कितना बच गया एन प्लस का वन बचा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का एफ वन अपॉन यू। अब इस सेक स्क्वायर एन थीटा को मैं यू के टर्म में लिख सकता हूँ, आंसर हाँ जी लिख सकता हूँ। कैसे, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ था, कुछ ऐसा था, अगर मैं थोड़ा बहुत लिखूँ तो u इक्वल टू हमने कितना बोला था मिटा जाएगा, मैंने वो यहाँ पर लिखा था ना, u इक्वल टू वन अपॉन आर लिखा था और r की जो कितना था मेरे पास, या फिर u की पावर n r की पावर n, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2a cos n थीटा, दिस इज इक्वल टू sec n थीटा अपॉन sec n थीटा अपॉन कितना आ गया 2a आ गया, और मुझे क्या चाहिए इसका स्क्वायर चाहिए ना, इसका स्क्वायर चाहिए sec स्क्वायर n थीटा का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो u की पावर 2n इज इक्वल टू कितना आ गया ये sec स्क्वायर n थीटा अपॉन कितना आ गया 4a स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से मेरे पास sec स्क्वायर n थीटा इज इक्वल टू 4a स्क्वायर u की पावर 2n आ गया। अब ये वैल्यू उठाओ, कहाँ रख दो, इधर रख दो, तो यहाँ से मेरे पास जे स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन में कितना आया एम आया, और यहाँ पर मेरे पास एक यू ये पहले से है यू, और इनटू कितना आ गया 4a स्क्वायर और यू की पावर 2n आया, और अंदर कितना बच गया n प्लस का 1 आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का f विच इज अ फंक्शन ऑफ 1 अपॉन u आ गया। तो यहाँ से मेरे पास जे स्क्वायर अपॉन m और u की पावर 3 हो गया, ये इसको 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर u की पावर 3 और इनटू u की पावर 2n आया यहाँ पर, और इनटू में कितना आ गया n प्लस का 1, दिस ब्रैकेट इज क्लोज, दिस इज इक्वल टू माइनस का f विच इज अ फंक्शन ऑफ 1 अपॉन u। इस थोड़ा सॉल्व करेंगे, दिस इज j स्क्वायर अपॉन m, दिस वन इज ये 4 यहाँ लिख दिया हमने, a स्क्वायर आया यहाँ पर, और ये कितना आ गया u की पावर ट्वाइस ऑफ n प्लस का 3, और अंदर कितना बच गया n प्लस 1, इन दोनों को अगर बेस से हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये मैंने क्या लिखा 2n प्लस 3 लिखा, सॉरी दिस इज इक्वल टू माइनस का f विच इज अ फंक्शन ऑफ 1 अपॉन u। अब क्या रखेंगे, u की जगह का रख दो 1 अपॉन r रख दो, जैसा कि हम करते हुए आए हैं, तो यहाँ से मेरे पास f r विल बी इक्वल टू माइनस का 4 j स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन m इंटू एन माइनस का 1, और ये मेरे पास कितना आ गया 1 अपॉन r की पावर 2n प्लस 3 आ गया, क्या आ गया 1 अपॉन r की पावर 2n प्लस 3, इसकी जगह 1 अपॉन r रख दिया ना, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, ये सब चीज़ कांस्टेंट है, तो एफ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r की पावर कितना आया 2n प्लस 3 आया। तो किस पर डिपेंड करेगा, 2n प्लस मतलब r की पावर 2n प्लस 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 एफ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर 1 रखोगे तो 2 1 3 और सॉरी 3 2 5 हो जाएगा, यानी r की पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये कौन सा केस था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो केस आया था, क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है, क्लियर है इतनी बात, ओके। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा एंड यू हैव टू रिमेंबर इट, ओके। तो जो इससे पहले मैंने बोला था याद करने को, उसको न भी याद करोगे, अगर ये याद होगा तो इसके लिए आप किसी के लिए निकाल सकते हो, आप इसका आंसर निकाल सकते हो, r की पावर 3 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, और यहाँ कितना आ जाएगा cos 3 थीटा। बताओ जो f r होगा वो r की किस पावर पर डिपेंड करेगा, यानी यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें निकालना है, तो सिंपल बताओ क्या होगी x की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पर n की जो कितना पुट करना है 3 पुट करना है, तो 3 6 6 और 3
9 हो जाएगा, तो यहाँ x की जगह कितना आ जाएगा माइनस 9, एक्स इक्वल टू माइनस 9, बिकॉज 3 दुना 6 होगा, 6 के बाद 7, 8, 9, ऊपर माइनस क्यों आया, क्योंकि ऊपर है, ठीक है, r ऊपर है, ध्यान रखना, क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इस तरह से क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, देखो मेरे पास इस तरह की कंडीशन है, मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, r इक्वल टू मेरे पास सम कॉन्स्टेंट a 1 प्लस cos थीटा है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। मतलब आपको सिर्फ ये बताना है कि जो अगर ये एफ आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड करना है। कैसे करोगे, देखो इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए 1 प्लस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। ये बात समझ आ रही है आपको, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ तो एक काम करो, दोनों ओर रूट ले लो, दोनों रूट लेने का मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 1/2, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a, और ये कितना आ जाएगा cos 1/2 इंटू थीटा। तो देखो सेम यही निकल गया, कौन सा वाला, ये वाला केस आ गया, ये वाला केस, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 वाला केस, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r की पावर n इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट c cos n थीटा, ऑन कंपेयरिंग n इक्वल टू कितना है 1/2 है, तो अगर n इक्वल टू 1/2 है तो ये अगर 1/2 रखूँगा यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, तो यहाँ मेरे पास एफ आर विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी यहाँ पर n की जो कितना पुट कर देंगे हम, 1/2 पुट कर देंगे, तो r की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक। तो ये क्या है, एक क्वेश्चन है, आसानी से हो गया, सिर्फ हमको क्या पता था, ये पता था, ओके नाउ एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे और फिर ये लेक्चर क्या हो जाएगा हमारा, समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमें गिवन है कि r इज इक्वल टू a की पावर माइनस थीटा, एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन है r a e की पावर k थीटा, दूसरा क्वेश्चन ये है, दोनों के लिए आपको एफ आर इक्वल टू फाइंड करना है, या बोल सकते हैं फोर्स लॉ फाइंड करना है, कर लोगे तो ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, होम वर्क में है, और आई होप ये क्वेश्चन और ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से एक क्वेश्चन गेट में या जेम में या फिर आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखने को ही मिलेगा, 100% है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, अगर क्वेश्चन आना है तो करना भी क्या है, ज़रूरी है, तो आप इनको करिए, इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, और कहीं आपको सैंपल पेपर मिलते हैं तो वहाँ से देखिए एक बार, और आप पाओगे कि एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो ये क्या था आपका आज का क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ, तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।